और अभी मम्मी ने एक लेडीज को देखा, वो दूध लेके आ रही थी, मम्मी कह रही थी। और ये देखे दोस्तों कितना साफ कर दिया है खेत। और इधर देखे दोस्तों ये लगे हुए सारे बैंगन के पेड़, बैंगन दिखाई दे जाएंगे आपको। अभी देखे दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे अमरूद आने लग गए हैं, देखे ये अमरूद के पेड़ है। देखिए दोस्तों ये जो पौधा है ना, ये कनेर का है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे कुछ बात करते हैं। तो आज देखिए दोस्तों मौसम कुछ ऐसे गजब सा हो रखा है, बादल लगे हुए हैं पूरे आसमान में, गर्मी सी होने लग गई। अब ये देखिए पूरे बादल लगे हुए हैं, धूप के भी हल्के हल्के दर्शन हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर बिल्ली है, यहाँ पड़ोसियों का ये बैठा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर झाड़ी झाड़ी हो रखी है, पूरी घास ही घास। ये देखिए तो मैं चले गया हूँ दोस्तों घूमने के लिए, भैया नहीं है, भैया के जा रखे हैं भूरी के साथ, तो भूरी अकेले गए हैं, मम्मी और मैं ही जा रहे हैं अकेले अकेले। मम्मी जा रही है आगे से। और मौसम देखिए दोस्तों आज बादल लगे हैं पूरे आसमान में, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, पर बारिश नहीं होगी। ये धूप के दर्शन भी हो रहे हैं हल्के हल्के। देखिए सामने रोड आ गई है, तो चले दोस्तों चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या है। और हम जा रहे हैं इधर को घूमने के लिए इस साइड में। अब मौसम दोस्तों आज का काफ़ी गजब हो रखा है, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, हवा चल रही है हल्की हल्की और बादल लगे हुए हैं ज़बरदस्त काले काले। और अभी मम्मी ने एक लेडीज़ को देखा, वो दूध लेके आ रही थी, मम्मी कह रही थी कि मेरी जितनी मोटी है क्या, जैसे मैं हूँ मोटी। मम्मी मैंने कहा नहीं नहीं तो इतनी मोटी नहीं है, देख लो दोस्तों। मम्मी लग रही है मोटी, कैसी लग रही है मम्मी? मोटी है पतली है, कैसी लग रही है मम्मी? तो मोटी ज़बरदस्त। इधर देख कैमरे की तरफ, हेलो हेलो महाराज, कैमरे की तरफ देखो, कैमरे देखो, ठीक है दोस्तों। मम्मी को शर्म आ रही है, मम्मी देखती नहीं है कैमरे की तरफ, बहुत कम देखती है मम्मी। और यहाँ पर फूल देखिए दोस्तों कितने मस्त लग रहे हैं, ये देखिए कितने मस्त फूल दिखाई दे रहे हैं ना। और ये देखिए दोस्तों कितना साफ कर दिया है खेत, पूरा जो यहाँ पर बाग था अमरूद का बिल्कुल साफ हो गया है। और ये देखिए पूरी खेती कर दी है, अब इसमें नए वाले पेड़ लगेंगे, जो कि लगेंगे अमरूद के, उन पर अमरूद नहीं आ रहे थे ना जो सूख गए थे। और ये देखिए बहुत बड़ा खेत है ये भी। तो आज दोस्तों हमारी भूरी नहीं आई है और भैया ले गए हैं भूरी को घुमाने के लिए, ठीक है। वो जल्दी जल्दी कर रहा था, वो भैया को परेशान कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, भैया ने कहा चलो मैं ले जाता हूँ उसको घुमाने के लिए। तो ये है दोस्तों जामुन का पेड़, और कुछ समय बाद इस पे भी जामुन लगने वाले हैं, छोटे वाले जामुन आते हैं इस पे, जंगली जामुन जिसको बोलते हैं ना, छोटे छोटे वाले, तो वाले जामुन लगते हैं इस पे। जामुन भी दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक बड़े वाले होते हैं, बड़े वाले लगते हैं जो, और एक छोटे वाले लगते हैं। तो जंगली वाले जामुन हैं वो लगते हैं इस पे, छोटे छोटे वाले, वो हल्के से खाने में भी खट्टे खट्टे से होते हैं, मीठे नहीं होते इतने। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना बड़े लग रहा है ये पेड़, देखिए कितने, ये सारे पेड़ देख रहे हैं आप, ये पॉपुलर के पेड़ सारे लगे हुए मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, साइड में देख रहे होंगे, तो सारे पेड़ जो हैं पॉपुलर के हैं। और इन पेड़ों के बीच में से जाना काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह के टाइम, और गर्मी में तो काफ़ी बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर घूमना, बहुत भी लगता है घूमना। और इनकी हवा, ठंडी हवा लगती है बहुत ज़बरदस्त। और इधर देखिए दोस्तों ये लगे हुए सारे बैंगन के पेड़, बैंगन दिखाई दे जाएंगे आपको। ये देखिए चारों तरफ, ये है हमारे जोशी जी अंकल, तो उनका है ये सारा लगा रखे उन्होंने यहाँ पर पेड़ बैंगन के। जितने भी खेती आप देख रहे होंगे इधर को साइड में, ये सारी खेती जो है बैंगन की है। ये देखिए दोस्तों बैंगन आपको दिखाई दे रहे होंगे लंबे वाले, ये देखिए, जो कि मेरे फेवरेट भी है ये। ये देखिए दोस्तों मैं आपको नज़दीक करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए
देख रहे हैं बैंगन लगे हुए हैं, ये पूरी खेती जो है बैंगन की है। ये देखे दोस्तों पेड़, और ये पेड़ है पॉपुलर का, इनकी हाइट होती है 80 फीट तक। ये देखिए कितनी ऊंचाई तक हाइट है इनकी। और इधर को जब हम जाते हैं दोस्तों तो इधर को ना गर्मी लगती है अजीब सी, इधर मतलब हवा नहीं लगती, बिल्कुल हवा बंद रहती है इधर को। अभी देखे दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे अमरूद आने लग गए हैं, देखिए ये अमरूद के पेड़ है, देखिए अमरूद लगने लगे हैं छोटे छोटे, अभी बड़े बड़े नहीं हो रखे। अभी मैं इन पर हाथ नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको दूर से, हाथ लगा के फिर खराब हो जाते हैं ना ये, अभी तो ये बन रहे हैं। ये देखिए ये सारे पेड़ आपको अमरूद के दिखाई दे जाएंगे, और ये है लिप्टिस के और पॉपुलर के पेड़ सारे। ये देखिए सारे लाइन पे है लगे हुए। इधर देखिए दोस्तों इधर क्या बुरा हाल हो गया, गेहूं देखिए हवा से लटक गए हैं पूरे, जब हवा आती है ना बहुत तेज, जब ये बड़े बड़े हो जाते हैं तो सारे लटक जाते हैं, इससे खेती ख़राब हो जाती है। फिर कुदरत के आगे दोस्तों किसी की नहीं चलती। और इसके बीच बीच में लगा रखे ये पेड़ लगा रखे, पॉपुलर के पेड़ है सारे ये, क्योंकि गेहूं की खेती के साथ साथ इसी खेती भी आप कर सकते हैं खेतों में, देख रहे हैं? अभी छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे आपके, जब बड़े बड़े हो जाएंगे तब देखना कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ये। तो आज दोस्तों काफ़ी बढ़िया हवा लग रही है, मस्त हवा लग रही है यहाँ पर, केक डाल वालो। और ये देखिए दोस्तों पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है ये भी, और ये सूख गया है, देखो कैसा हो गया, इसके सारे सारे पत्ते झड़ गए हैं, अब इसमें नए नए पत्ते आएंगे शायद, हो सकता है। तो और इस टाइम दोस्तों इधर को ना बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, मतलब गर्मियों में यहाँ पर बहुत लगता है, इन पेड़ पौधों के नीचे में छाया लगती है बहुत बढ़िया ज़बरदस्त वाली। और इधर देखे दोस्तों क्या पीछे देखो क्या कर रखा है, खेती कर रखी है पूरी, इसने पता नहीं क्या बो रखा है इधर पीछे की तरफ में। ऐसे पेड़ पौधों के बीच में चलना घूमना बहुत अच्छा लगता है ना गर्मियों के टाइम में, और हवा चलती रहे ठंडी ठंडी और ही मस्त लगता है फिर तो घूमने में। तो दोस्तों ये जो पौधा है ना ये कनेर का है, तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक और जहरीला है, दिखने में आपको लग रहा है खूबसूरत लग रहा है आपको, बट ये कनेर का पेड़ है, इसको ओलेंडर बोलते हैं। इसका पत्ती जो है और फूल है मुँह में आके किसी बच्चे के आदमी के तो उसी टाइम उसको बुखार दस्त पेचिस वगैरह होने लग जाएगा। ये पौधा दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, जहरीला भी है, और इसके अगर मुँह में आ गया नहीं है तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा उसका, दिखने में तो आपको बहुत लग रहा होगा खूबसूरत लग रहा होगा पौधा, पर है बड़ा जहरीला, ये खतरनाक है, ये गलती से भी किसी के मुंह में इंसान के या जानवर के मुंह में आ गया या बच्चे के मुंह में आ गया इसकी पत्ती फूल तो उसी टाइम उसकी मृत्यु निश्चित है, मतलब मर जाएगा बेचारा, उसको उल्टी दस्त सर चकराना पेचिस वगैरह इस टाइप का बीमारी जो होती है वो होने लग जाएगी। और अब दोस्तों धूप लगने लग गई है, और इस टाइम धूप चटक लग रही है और गर्मी भी लगने लग गई है, तो ऐसी ही बातें दोस्तों इंसानों पर भी अप्लाई होती है, जैसे कि इंसान जो इंसान दिखने में आपको अच्छा लगता है और उसका बोलचाल आपको मीठी लगती है, वो इंसान काफ़ी जहरीला और अंदर से काफ़ी ख़तरनाक होता है, उसकी सोच है ना बहुत बेकार होती है। तो उसी टाइप का दोस्तों ये पौधा भी है, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है पर वो इतना जहरीला है कि एकदम से किसी के मुंह में जाएगा, गलती से चलेगा ना पत्ते या फूल उसी टाइम उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये देखिए दोस्तों इस टाइप का होता है। इस ब्लॉग के दोस्तों मैं घर पे ही एंड करूँगा, तो चलिए दोस्तों आपको अब घर ले चलते हैं।